के कोर्सेज ऑनलाइन बुक करना है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मैंने सुना है। बहुत सारे लोग टेंशन लेते हैं, अरे पैसे चले जाते हैं ऐसा ऐसा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इतना अगर आप सीफेयर होके नहीं कर पाओगे देन कुछ फायदा नहीं है, यू नो। अभी डिजिटल का जमाना है, आगे जाके ऑलमोस्ट सभी चीजें डिजिटल हो जाने वाली है, तो आप लोग सीखना चालू कर दीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है, कोर्स कैसे बुक करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा इस वीडियो में। आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका ईमेल आईडी, जो पर्सनल जो आप ईमेल आईडी यूज करते हो वो चाहिए, व्हाट्सएप नंबर जो आप मोबाइल नंबर यूज करते हो व्हाट्सएप नंबर वाला होना चाहिए, दैट्स ऑल। और कुछ पासपोर्ट की कॉपी वगैरह है वो कैसे अपलोड करनी है, कौन कौन से कोर्स में कौन कौन सी कॉपी चाहिए, वो भी आप लोगों को सिंपली पता चल जाएगा कि ये चीजें चाहिए। सो हेलो गाइस, मैं वल्केश सोलंकी एंड यू आर वॉचिंग मरीन ज्ञान, इट्स अ सीफेयर्स वॉइस। कुछ एक चीज चाहिए जो कि एटीएम डेबिट कार्ड आपका है वो भी चलेगा, वो अभी फिलहाल सीफेयर्स के पास सभी के पास होगा, ईमेल आईडी सभी के पास होगा, व्हाट्सएप नंबर सभी के पास होगा। तो वो आप लोगों को कैसे करना है वो सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये चीजें आप अपना मोबाइल से भी कर सकते हो, पीसी से भी कर सकते हो। मोबाइल से जब करने वाले हो तब डेस्कटॉप वर्जन पे करना है, पीसी से करने वाले हो तब नॉर्मली गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर ओपन करके कर सकते हो। सिंपली जब आप पे करते हो तब बस, मतलब कि एक नेटवर्क नॉर्मल होना चाहिए, एकदम बेकार नेटवर्क मत कीजिए। बस यही मैं आप लोगों को चीज बताना चाहूंगा, और कुछ भी ज्यादा जरूरी समझने वाली या सोचने वाली चीज नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। तो सिंपल से प्रोसेस के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और गूगल में टाइप करना है, या आप आशा मरीन से या बीपी मरीन से किसी भी एकेडमी से जो ऑनलाइन बुकिंग है वहां से कर सकते हो। सो मैं आशा मरीन से करके दिखाऊंगा। सो वी हैव टू राइट डाउन आशा मरीन एंड सर्च कर ले। सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट वाला लिंक है आशा मरीन का, AIIMT वाला पे क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आपको जो इंटरफेस मिलेगा, जो साइट मिलेगी या एकेडमी की, उसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में ऑनलाइन बुकिंग के ऊपर क्लिक करना। ऑनलाइन बुकिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो भी आपका कोर्स करना है वो सिंपली आपको पता चल जाएगा। सो आप लोगों को यहाँ पे टाइप पे क्लिक करना है एंड डीजी कोर्सेज पे क्लिक करना है। डीजी कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो भी कोर्स करना है वो कोर्स आप लोगों को यहाँ पे जो लिखा है उसमें से सिलेक्ट कर लेना है। सो मुझे सिक्योरिटी ड्यूटीज़ का कोर्स करना है, सो मैं आप लोगों को उसका बुकिंग करके दिखाऊंगा। वैसे ही आप कोई भी कोर्स का बुकिंग कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक कर लेता। क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये वाला जो मैसेज है वो कैसे अपडेट करना है, पासपोर्ट कॉपी आप लोगों को लिंक पे अपडेट करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, जस्ट ये जो मैसेज है उसमें लिंक का जो आगे मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा। सो ओके कर लेना है इसको अभी फिलहाल। ओके करने के बाद आप लोगों को जो भी डेट आपके लिए कन्वीनियंट है, आपको जब कभी भी अटेंड करना है, वो सभी डेट्स है यहाँ पे, उनमें से आपको कोई भी जो डेट पे करना है वो डेट सिलेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका फीस आ जाएगी। तो आप लोग को ये एड टू कार्ट कर लेना है, बस एड टू कार्ट कर लोगे यहाँ पे सिंपल सा आप लोग का जो भी डिटेल्स है, 2000 रुपीस का कोर्स बुक हो गया, और यहाँ पे आप लोगों को आपका जो भी डिटेल्स है सब फिल करके इस बॉक्स पे चेक करके बुक एंड पे पे क्लिक करना है। बुक एंड पे पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो भी ये इंटरफेस मिलेगा, सो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि HDFC बैंक का है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कार्ड से आप कर सकते हो। सो नॉर्मली आप इंटरनेट बैंकिंग या UPI या फिर डेबिट कार्ड अभी फिलहाल सबके पास रहता है, सो मैं आप लोगों को उसके थ्रू करके दिखाऊंगा। सो कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड आप लोगों को आपके पास होना चाहिए, एंड देन यहाँ पे आप लोगों का कार्ड का नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला नंबर डालना है, आप लोग का एक्सपायरी एंड CVV नंबर डालने के बाद ये जो आपका नाम आपके कार्ड पे अगर है तो आप लोगों को वो भी फिल कर लेना है। तो वो सब फिल करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस पे राइट क्लिक आने के बाद आप लोगों को सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक पेज अभी खुलेगा आपके बैंक के रिलेटेड, और आपको आपके मोबाइल पे ओटीपी भी मिलेगा। सो वो वाला ओटीपी आपको विद इन 5 मिनट्स डालना है। तो यहाँ पे आप लोगों को आपका ओटीपी नंबर डाल लेना है जो बॉक्स है उसमें, और अगर आपको 5 मिनट में ओटीपी नहीं आता है देन आप लोग को रीसेंड पे क्लिक करना। सो ओटीपी फिलहाल आ गया है मेरा, तो मैं इसमें अभी ओटीपी डाल के दिखाता हूँ आपको। फिल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों का आपने जो भी कोर्स बुक किया है उसका रेफरेंस नंबर, बुकिंग नंबर, और आपका इंडोर्स नंबर, और आपका व्हाट्सएप नंबर जो, और आपका ईमेल आईडी, ये दोनों जो भी है वो सही से चेक करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें आएगी वो आपके ईमेल पे आएगी और आपके व्हाट्सएप नंबर पे आएगी। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को रख लेना है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है जैसे कि मैंने बताया था, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, आपके ईमेल जो जीमेल आया हुआ है इनबॉक्स ओपन कर लेना, उसमें ऑनलाइन क्लासेस करके ऐसे एक मेल आया रहेगा, उसमें से आपको आपका रिसिप्ट भी डाउनलोड करके रखना है आपके प्रूफ के लिए। सो उस पर सिंपली क्लिक करना है। सबसे नीचे वाले पोर्शन पे आपको मिलेगा कि आप लोगों को पीडीएफ एक अटैच रहेगा, उसको डाउनलोड करके जस्ट आप लोगों के पास रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को जो क्लिक हियर वाला ऑप्शन नजर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाली लिंक है, सो क्लिक हियर करना है। क्लिक हियर पे क्लिक करोगे उसमें सिंपली आप लोगों को यहाँ पे आपका कोर्स नजर आएगा, जो भी कोर्स आपने बुक किया है उसका नाम, और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है इस पर सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है, और पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपका फाइल जो भी है ब्राउज करके उस पर ले लेना है, एंड सिंपली आप लोगों को अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। डेट्स ऑल, यही सिंपल सा प्रोसेस था, उसमें और बहुत बड़ा कुछ करना है नहीं, बहुत इजी था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखा दोस्तों, ऐसे होता है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप बोलो कि अरे यार ये तो मेल में आता है, ये होता है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिंपल सा प्रोसेस है। आप नॉर्मल व्हाट्सएप कैसे यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम देख लेते हो, फेसबुक ओपन कर लेते हो, वहाँ पे कमेंट कर लेते हो, वो सभी चीज़ों जैसा ही है ये, उसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो आप लोगों को होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, और हो सकता है तो यही वीडियो शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत ना पड़े। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।